ये जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है उसके बाद सब भी कहते हैं यार कि कम से कम जो है वो फिट होनी चाहिए, कम से कम पर्सनैलिटी। मेन चीज़ यही है कि आपकी ना 30% जो है वर्कआउट बेस करता है और 70% जो है ना आपकी डाइट मैटर करती है। आप खा पी के लेमन पाउडर है या ग्रीन टी जैसे यूज़ करते हैं उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साइमा शहज़ाद और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने सिर्फ 3 माह में अपना 26 केजी जो है वेट लूज़ किया है। और बहुत ही एक हैरान कन बात है, इतने कम वक्त में इतना ज़्यादा वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं इनसे मिलवाऊंगी आपको और इनसे ये भी पूछेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपना ये वेट इतने कम वक्त में लूज़ किया और ऐसी क्या पीछे रीज़न थी जिसकी वजह से इन्होंने बहुत तेज़ी से अपना वेट लूज़ किया। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोहर अली नाम है। अच्छा, मैं आप बता रहे थे कि मैंने 3 माह में 26 केजी वेट लूज़ किया है, तो ये बताइएगा ज़रा कि आपने किस तरह से किया। अच्छा, मतलब कि स्टार्टिंग हाँ जी, स्टार्ट में आप बताइए कि आपका पहले वेट कितना था और अब आपका कितना? मेरा स्टार्ट में 96 वेट था और अब मेरा जो है ना वो 70 तक वेट है, 70-69 तक मेरा वेट में। तो ये 3 माह में आपने किया? 3 माह के अंदर किया मैंने ये। ठीक है, तो क्या वजह थी, आपने क्यों इतना? वजह वही कॉमन वजह होती है जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है उसके बाद सब भी कहते हैं यार कि कम से कम जो है ना वो फिट होनी चाहिए, कम से कम पर्सनैलिटी। अच्छा, जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो आपका वेट 96 केजी था? 96 वेट था मेरा। अच्छा, तो आपको मजाक उड़ाते थे लोग? हाँ, वो जाहिर सी बात है, मजाक तो यहाँ मतलब कि अगर आपके मोहल्ले में भी निकल जाए ना आपका वेट ज़्यादा हो वहाँ भी मजाक उड़ाते हैं, मोटे के नाम से चला गए जो मतलब कि कॉमन। अच्छा, इस तरह के नाम आपके भी पड़े थे? जाहिर सी बात है पड़ते हैं, जाहिर सी बात है पड़ते हैं। तो अब ये बताइए कि आपने किस तरह से किया, जिम ज्वाइन किया या आपकी डाइट ऐसी थी, किस तरह से किया? नहीं, स्टार्टिंग में तो था मैंने जो है ना वो पहले, जाहिर सी बात है कि मोटे बंदे शौकीन होता है खाने पीने का, मीठे का शौकीन, नान चने जो मतलब कि जो डाइट होती है खाने पीने, पहले वॉक से स्टार्ट किया। अच्छा। वॉक के बाद मैंने फिर जॉगिंग के बाद थोड़ी रनिंग पे आया, मैं सोचा यार ज़रा जल्दी से जो है ना वो रिड्यूस हो वेट, फिर जिम ज्वाइन की, घंटा सवा घंटा डेढ़ घंटा जिम ज्वाइन करना। लेकिन मेन चीज़ पता है क्या है, मेन चीज़ यही है कि आपकी ना 30% जो है वर्कआउट बेस करता है और 70% जो है ना आपकी डाइट मैटर करती है, आप खा पी कह रहे हो। तो ये है कि थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दिया, मुंह को ताला लगाया, फिर इसी तरह वेट कम होता है। और ये कम किया कि नान छोड़े हैं और मीठा छोड़ा है, बोतलें और चावल वगैरह जिस तरह की चीज़ होती है जो चीज़ें वेट गेन करती हैं वो आपने बिल्कुल अपने माइनस कर दिया डाइट में से? माइनस करनी पड़ती है, नहीं तो फिर वहाँ ठीक खड़े रहते हैं फिर। ठीक है, अच्छा, और एक तो आपने डाइट चेंज कर ली, उसके बाद आपने वर्कआउट किया, जिम भी जाते थे आप? जिम जाते थे, जिम के बगैर तो क्या हो ही नहीं सकता कम। तो जिम का ये फ़ायदा था कि मेरा ना वेट जल्दी से रिड्यूस हुआ, साथ मैंने वो टॉनिक्स वगैरह इस्तेमाल किए जैसे सिनेमन पाउडर है या ग्रीन टी जैसे यूज़ करते हैं उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे। यानी नेचुरल जो चीज़ें हैं वो आप? नेचुरल है, काफ़ी लोगों ने पूछा था कि क्या कहते हैं आपने कोई मेडिसिन यूज़ की है या फैट बर्नर यूज़ किया है, जाहिर सी बात पूछते भी हैं कि 26 एक अमाउंट होती है तो अगर वो कम हो तो काफ़ी लोग पूछते हैं। तो ये है कि नेचुरल रेमेडी यूज़ किए हैं, साथ मुँह को ताला लगाया, खाने पीने पर कंट्रोल किया तो कम हो ही जाता है। कुछ भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम खुद चाहें ना चाहें तो। तो अब बताइएगा कि अब तो आपका वेट जो है माशाल्लाह काफ़ी स्टेबल हो गया है, तो अब आपकी डाइट क्या है? अब यही डाइट है, मतलब कि परहेज़ तो रखनी पड़ती है, अगर हम दोबारा से वही शुरू कर दें खाना पीना तो डे वन से लेके डे एंड तक तो फ़ायदा कोई नहीं, भी कोई कुछ भी ना हुआ कि मेहनत की एक चीज़ को पाने के लिए और अगर हम दोबारा से वही स्टार्ट करें तो फ़ायदा नहीं है। अब ये है कि थोड़ा बहुत जो है वो बदपरहेजी कर लेते हैं, अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो बाइट तो बाइट खा लेते, इसे ज़्यादा नहीं खाते बस ये। यानी कि सिर्फ टेस्ट कर लेते? टेस्ट कहाँ, टेस्ट क्या कह सकते, इतना बंदा क्या अपने आप को जाना परहेज़ करे, फिर वो कर लेते, फिर एक दो थोड़ा सा खाना पड़ता है, फिर ये है कि अगर थोड़ा ज़्यादा खा ले वर्कआउट हमेशा करना पड़ता है। अच्छा, अब हम जो देखने वाले नाज़रीन हैं अगर उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका वेट ज़्यादा होगा और वो चाहते होंगे कि आपकी तरह वो स्लिम और स्मार्ट हो जाए, तो उनको कोई आप सजेस्ट करना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें या कुछ कहना चाहें? नहीं, बस यही है कि मीठे का कम से कम इस्तेमाल करें और साथ जो है ना अपनी वो यूज़ जो चीज़ें जो है नान चने इस तरह की चीज़ जो है ना वो कम से कम इस्तेमाल करें। देखें, फ़िटनेस जो है ना बंदे को पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, पैसा आए तो लेकिन फ़िटनेस नहीं आती, और फिट बंदा जो है ना वो बीमारियों का शिकार भी नहीं होता। तो मेन चीज़ ये फ़िटनेस को मेंटेन रखना, बंदा बीमारियों से बच जाता है। तो यही चीज़ है।
ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा गौहर से बात करके और इनको देख के। मैं आपको इनकी बिफ़ोर और आफ्टर वाली पिक्चर्स भी शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा गौर से। इन्होंने माशाल्लाह बहुत कम वक्त में इतना अच्छा वेट जो है वो अपना कम कर लिया। और इनका ये कहना है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ खाएँ लेकिन उसको आप टेस्ट की हद तक रखें, इतना मत खाएँ कि आपका जो है बॉडी में वो चीज़ नुकसान का बाइस बने। बाकी वर्कआउट करते रहें, डाइट भी अपनी ठीक रखें, तो आपकी जो है आप बीमारियों से बचे रहेंगे और आप हेल्दी भी रहेंगे। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान साइमा शहज़ाद को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।